हेलो स्टूडेंट्स मैं विनय यादव डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सी सीकर मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जैसा कि हमें पता है बेटा कि हमारा जो रिवीजन है वो जेई मेंस ईयर 2019 और 20 के दौरान जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं करीब 22 पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर वाइज हम लोगों उनका डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमारा चैप्टर वाइज रिविज़न भी हो जाए और हमें फॉर्मेट भी पता चले कि जो न्यू ट्रेंडिंग फॉर्मेट है जो एन टी ए किस तरीके क्वेश्चन को पिकअप कर रहा है ओके okay? अलग अलग चैप्टर से और उनका जो कौन सा पोर्शन है हर एक चैप्टर का जिससे वो ज़्यादा क्वेश्चन की टेंडेंसी पिकअप करने की है है ना तो चलिए आज हमारा जो डिस्कशन है वो सॉलिड स्टेट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर सरफेस केमिस्ट्री पे बात करेंगे सॉलिड स्टेट से अगर हम बात करें करीब बारह से तेरह क्वेश्चन पूछे गए बेटा बाईस पेपर में तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि और अदर यूनिट्स के कंपेरिजन में ये उतना इंपॉर्टेंट यूनिट तो नहीं माना जाएगा मार्क्स स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम पूछी गई हैं ओके बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है तो आप लोगों को बहुत एफर्ट भी नहीं डालने हैं बिल्कुल एनसीआर लेवल तक आप चीजों को क्लियर रखो यहाँ पर ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन ओके क्वेश्चन वन पढ़ते हैं

वो अगर हम लोग कोई मैकेनिकल स्ट्रेस पैदा करने से ठीक है इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट हो ठीक है करंट प्रोड्यूस हो ओके okay, वो हो सकता है अमाउंट ऑफ करंट बहुत कम हो क्लियर जिसको बहुत uh, बारीक सेंसर से हम लोग डिटेक्ट कर पाए ठीक है वो एक अलग स्टोरी है ठीक है बट कहीं ना कहीं द मटेरियल जो है द मटेरियल that produces what that produces electrical pulse or electrical signal ठीक है on applying mechanical stress ठीक है on applying mechanical stress ठीक है तो इस तरीके का जो material है बेटा तो जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं क्वाड्स जो है एक एग्जाम्पल होता है उसका ठीक है दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है आपका जैसे कि रोसल सॉल्ट अपन लोगों ने नाम सुना है तो ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म रोसल सॉल्ट की जो होती है वो भी पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के तरीके से होता है या हम लोग अपनी बोन्स की बात करें जो हड्डियां होती हैं बेटा ड्राई बोन्स जो होती हैं दे ऑल्सो बिहेव लाइक अ पाइजो इलेक्ट्रिक मटीरियल उन पर मैकेनिकल स्ट्रेस डालने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप होता है ठीक है चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर हैज यूनिट सेल स्ट्रक्चर है एज लेंथ ऑफ एक्स एंगस्ट्रॉम ठीक है एक्स एंगस्ट्रॉम एंग्रॉम वट इप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ कॉपर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट दिस टेम्परेचर क्लियर तो यहां पर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है बेटा वो कैसा है एफ सी सी ठीक है तो एफ सी सी के लिए अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा बेटा तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा देखो डेंसिटी इज़ इक्वल टू क्या होगा Z नंबर ऑफ़ पर सेल नंबर होगा बेटा फोर इंटू वॉट एम सिक्स फाइव ग्राम पर मोल अपॉन एवेगड्रो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है भाई और ए कितना है अपने पास एज लेंथ है एक्स एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम और हमें जो है डेंसिटी निकालनी बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो अपन लोग क्या करें एंगस्ट्रॉम को टू टेंस सेंटीमीटर में रखेंगे टू सेंटीमीटर का होल क्यूब ऐसा ही लिखा जाएगा ठीक है और डेंसिटी अपन को कितनी मिल रही है बेटा ये तो पता करना है डेंसिटी का एक्सप्रेशन ठीक है अब यहां से क्या आएगा बेटा यहां से आएगा आपका फोर इंटू सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव अपॉन एक्स क्यूब इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर माइनस वन ठीक है टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री माइनस टेन टू दावर ट्वेंटी फोर ओके दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच बेटा आप इसको सॉल्व करोगे पूरा ठीक है तो ये करीब आता है बेटा फोर ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन अपॉन एक्स क्यूब ठीक है अच्छा ये आपका 421.7 ट्वेंटी वन अपॉन एक्स क्यूब अराउंड ठीक है तो इसको राउंड अगर फिगर राउंड ऑफ करते हैं तो बेटा ये कितना आएगा 422 ट्वेंटी टू अपॉन एक्स क्यूब क्लियर ऑप्शन फोर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ठीक है ना चलो बढ़ा जाए आगे चलिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं पूछा जा रहा है विच प्रिमेटिव यूनिट सेल एज लेंथ्स एंड ऑल एक्सियल एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम नाइनटी डिग्री ओके तो यहाँ पे क्या होगा ट्राइक् और ट्रेट्रागोनल पर बात हो रही है तो आप लोगों को ब्रेविस तो की एक टेबल हम लोगों को एनसीआर टी की बुक में दे रखी है ओके okay. जिसमें अपन लोगों ने एक क्यूबिक सिस्टम पढ़ा है बेटा सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड फोर्टीन ब्रेविस ठीक है तो यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम देन आपका टेट्रागोनल और फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बोहैड्रल इस तरीके से हम लोगों को ध्यान आ रहा होगा क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है बेटा थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबल लेटिसेस होती हैं सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्लियर सो यहाँ पे क्या होता है जो एज लेंथ होती है ए बी सी इक्वल होती है और इंटरफेसियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं इक्वल होते हैं और इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होते हैं ठीक है थीके? टेट्रागोनल में अगर हम बात करेंगे तो टेट्रागोनल में क्या होगा ए बी नॉट इक्वल टू सी क्लियर बट स्टिल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू नाइनटी डिग्री ओके ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है बेटा ए बी सी सभी अलग अलग होते हैं ओके okay? और यहां पे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री स्टिल मेंटेन होता है क्लियर फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहां पे बेटा हेक्सागोनल आता है तो मोनो जो है हेक्सागोनल टेट्रागोनल का तो मैंने बता दिया बेटा टेट्रागोनल के लिए ए बी सी क्या होगा ए इक्वल टू बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा ये सभी क्या है नाइन्टी डिग्री होंगे ठीक है हेक्सागोनल के लिए अगर हम देखते हैं तो हेक्सागोनल में क्या होगा ए बी तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी वन एज लेंथ डिफरेंट होती है और अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू नाइनटी डिग्री बेटा और एक एंगल वन ट्वेंटी डिग्री होता है ठीक है अच्छा तो अपन हाँ लोगों को जो कंडीशन फुलफिल करनी है ए बी सी इक्वल ना हो तो मतलब आपका हेक्सागोनल भी आंसर नहीं हो सकता टेट्रागोनल भी नहीं हो सकता ठीक है मोनोक्लिनिक के लिए आ जाते हैं मोनोक्लिनिक में क्या होगा बेटा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी ठीक है मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जाम्पल है इसका और एल्फा बीटा गामा ठीक है यहां पे अगर हम देखते हैं बेटा तो अल्फा और गामा क्या होते हैं अल्फा एंड गामा आर इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ठीक है बट नॉट इक्वल टू बीटा क्लियर अच्छा ये क्या हो गया तुम्हारा मोनोक्लिनिक है ना ना हो ट्राई क्लिनिक पर बात करते हैं तो ट्राई क्लिनिक में क्या होगा सो so, मोनोक्लिनिक भी आंसर नहीं हो सकता बेटा सो आंसर आपका ट्राई क्लिनिक ही बचता है ट्राई क्लिनिक ही एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें ए बी सी इक्वल नहीं होते हैं और साथ में बेटा इंटरफेसियल एंगल्स भी सारे क्या होते हैं अलग अलग होते हैं ना अल्फा, बीटा, गामा सभी अलग-अलग नॉट इक्वल टू डिग्री ठीक है अच्छा सो दिस विल बी द ट्राई क्लिनिक विल बी द आंसर ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं हम लोग ओके क्वेश्चन नंबर फोर देखो अ कंपाउंड

जो क्रिस्टल सिस्टम है ठीक है वो कौन सा है अगर पहले ऑप्शन पे जाए बेटा तो एच सी पी ए है ना तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने होते हैं एच सी पी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट बेटा अपन लोगों को ध्यान होगा सिक्स होते हैं ठीक है एच का हम लोग स्ट्रक्चर जानते ही हैं है ना तो उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है और हमें यह पता है कि सीसीपी या एच सी डायमेंशनल क्लोज थ्री स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एक एटम के करस्पॉन्डिंग दो टेट्राइडल वर्ड्स बनते हैं मतलब टोटल टेट्राइडल वर्ड कितने होंगे आपके सिक्स इंटू टू दैट इज वॉट ट्वेल्व क्लियर अगर मैं बात करता हूं बी एटम्स जो है वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ टेट्राइडल वर्ड ले रहे हैं तो वन बाई थ्री इंटू वॉट बड़ा यहां पे क्या होगा आ, जो है सी वन बाई थ्री ऑफ टेटल वर्ड्स टोटल हो गए ट्वेल्व तो बी फोर हो गया ठीक है तो बी एटम्स कितने हो गए बेटा फोर ए हो गए सिक्स और बी हो गए फोर पहले ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं तो इसका जो एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है वो आप इसमें टू से डिवाइड करोगे तो ए थ्री बी टू और हमें फॉर्मूला क्या चाहिए बेटा ए टू बी थ्री चाहिए मतलब रिवर्स होना चाहिए मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो सकता है ठीक है तो पहला तो हटा दो एचसीपी लैटिस ऑक्यूपाइड बाय बी एंड 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये करेक्ट होना चाहिए बेटा क्लियर क्योंकि यहां पे अगर आप एचसीपी लैटिस ए की जगह बी की रख दो है ना क्लियर अच्छा और तो बी कितने होंगे पर यूनिट सेल बेटा नंबर ऑफ एटम्स बी जो होंगे वो पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे चलो भाई तो देखते हैं यहां पे बी आपका जो पर यूनिट सेल हो गया वो सिक्स हो गया और ए कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे अगर 1 बाई थ्री टेट्राइडल वॉइड्स का जो 1 थर्ड टेट्राइडल वॉइड्स हैं वो ए एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ए एटम्स कितने हो गए 4 है ना तो यहाँ पे क्या आ गया देखो ए फोर बी सिक्स है ना ए फोर बी सिक्स क्या होगा ए टू बी थ्री ओके नाउ तो आपका ऑप्शन टू जो है करेक्ट जाएगा बेटा क्लियर एच सी पी बाय बाई बी एंड एच सी पी बाय बाई बी एंड वन थर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाई ए सो आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट होगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं बेटा यहां पे ओके अ सॉलिड हैविंग डेंसिटी

अच्छा अपॉन वॉट ये तो एम बाई एन मास हुआ बेटा और यहां पे क्या आएगा है, है ना तो यहां पे क्या होगा देखो ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो गया क्लियर एज लेंथ आपको दे रखी है अब देखो बेटा वैल्यूज पुट करनी है अपन लोगों को और कोई काम नहीं करना है ठीक है नाइन इन टू टेन टू दावर थ्री इज द टू वॉट एफ सी सी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं फोर टू वॉट एम कितना है ये आइडेंटिफाई करना है अपन को अच्छा ये ध्यान रखना है पे जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखी है यहां को मीटर में ही रख देते हैं बेटा टेन की पावर माइनस ट्वेल्व मीटर ओके का होल क्यूब आ जाएगा और इनटू व्हाट वॉट नंबर ठीक है तो आप देखते हैं हम लोग यहां पे एम कितना आ जाएगा यहां से एम आएगा आपका नाइन इंटू टेन टू पावर थ्री इंटू वॉट इधर से अपन लोगों ने क्या करा टू हंड्रेड और यहां से आएगा आपका एट इंटू टू रूट टू इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी ओके इस ब्रैकेट को ओपन करा अपन लोगों ने तो ये यह, और यहां से आएगा सिक्स

और ये आएगा आपका टेन टू दावर माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी थ्री ओके एंड प्लस थ्री मतलब टेन की पावर सिक्स ठीक है तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये रफली जो है टेन की पावर माइनस फोर और यहां पे जो आता है वो आता है आपका टेन टू दावर थर्टी फोर माइनस फोर है ना इसको जब मैंने रफली इसको सोल्व करा बेटा तो जो मेरे पास आया आंसर वो आया 3.05 इसको मल्टीप्लाई करा पूरा 3.05.5 ओके okay. और इसको जब 30 से मल्टी टेन पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा ये जो आएगा वो आंसर किलोग्राम में आएगा तो यहां पे पॉइंट जीरो थ्री जीरो फाइव किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है अच्छा तो जरा देखते हैं बेटा सॉरी पर मीटर क्यूब क्यों आएगा किलोग्राम पर मोल ओके okay. सो so, ये किलोग्राम पर मोल आएगा क्लियर सो so, यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उड़ा तो सॉलिड स्टेट से बहुत कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं आती है क्लियर अपन लोगों ने पांच प्रॉब्लम्स तो अभी देखी अभी हम देखेंगे और भी प्रॉब्लम्स का लेवल आसान होता जाएगा क्लियर क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं उड़ा ठीक है ये एक सबसे बेहतर क्वेश्चन लगा नाइनटीन के पेपर में बाकी तो और कोई बहुत टफ uh, क्वेश्चन था ही नहीं ये ठीक ठीक क्वेश्चन था रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखो बेटा यहां पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अपन लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां पे क्या होगा ठीक है यहां पे बेटा अपन लोगों को ये बॉडी सेंटर्ड है और यहां पे अपन लोगों को क्या है एक स्पियर को रखना है क्लियर एज सेंटर पे क्योंकि अपन को पता है कि ये जो कॉर्नर वाले आइटम होंगे ठीक है दे विल बी इन टच इसके साथ है ना ओके okay. तो यहां पे अगर हम देखें बेटा कि ये जो आइटम्स होंगे वो टच में होंगे कॉर्नर वाला और जो यूनिट सेल का सेंटर है उसके आइटम्स क्या होंगे टच में होंगे है ना तो अब ये वाला जो कॉर्नर है डायगनली अगर मैं बात करूं ए और ये सेंटर बॉडी यूनिट सेल का सेंटर ओ और ये कॉर्नर बी मान लो बेटा ठीक है तो अपन लोगों को पता है यहां पे कि ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा रूट थ्री ए के बराबर होगा और ये कितना होगा बेटा फोर आर इंटू वॉट रूट थ्री ए ठीक है अच्छा साथ में यहां बेटा ये वाला जो है अगर ये अपन लोग बोले कि यहाँ पे एज लेंथ कितनी बोल रहे हैं एज लेंथ ए बोल रहे हैं ठीक है थीके? ये जो एज लेंथ है वो कितनी है ए है ना तो पहली इक्वेशन तो ये बनी दूसरी इक्वेशन क्या उठा यहाँ पे आर ऑफ एटम प्लस आर ऑफ एटम और ये सपोज करो हॉलो स्पेस है वाइड इसको मैं बोल दे रहा हूं तो टू टाइम्स ऑफ आर ऑफ एटम ठीक है प्लस आर ऑफ वाइड इज इक्वल टू वॉट ये आएगा आपका ए के बराबर ठीक है अच्छा जी अब देखो बेटा यहाँ पे जो आर ऑफ एटम है ठीक है और मुझे पता क्या करना है मुझे पता करना है कि रेडियस पता करना है लार्जेस्ट स्फीयर के लिए ठीक है तो यहां से क्या आएगा बेटा आर बी कितना ठीक है ए बाई टू तो ठीक है भाई यहां ए बाई टू लिखा अपन ने और यहां पे क्या लिखा बेटा आर ऑफ ए क्या आएगा रूट थ्री बाई फोर ऑफ ए है ना ए जरा बाहर निकालो बेटा टू बी बाहर निकालो यहां से क्या बचा यहां से बचा वन माइनस रूट थ्री बाई टू है ना तो यहां से आपका आएगा ए बाई टू और यहां पे क्या 2 2, अच्छा तो टू माइनस रूट थ्री बाई टू ओके ए के टर्म्स में ही आंसर करना है अपन लोगों को बेटा तो यहां से क्या आएगा देखो यहां से आएगा आपका आज, यहां पे जो बेटा टू माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री टू डिवाइडेड बाई फोर ए हो जाएगा यहां पे ठीक है जिसकी वैल्यू आती है बेटा पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सेवन ए ठीक है अच्छा तो इस तरीके से आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपका ऑप्शन नंबर टू हुआ क्लियर आसान था प्रॉब्लम समझ में आया एक बार फिर से बता दे रहा हूँ डायग्नली जो अपन लोग रिलेट करते हैं वो क्या होता है रूट थ्री ए इजल टू फोर आर ऑफ एटम ठीक है लेकिन अपन को पता है कि जो बॉडी सेंटर्ड होगा उसके जो कॉर्नर्स के एटम्स होंगे वो आपस में टच नहीं करेंगे बेटा तो उनके बीच में जो हॉलो स्पेस बनेगा उसके बीच में वो पूछ रहे हैं कि कितना मैक्सिमम साइज का हम लोग एटम पुट कर सकते हैं क्लियर समझ आया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेवन ओके एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर ठीक है भाई ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाइडल वॉइड्स एंड बी एटम्स ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राइडल वॉइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ बाइमेटलिक ऑक्साइड ओके भाई दो बी एटम आपका सीसीपी स्ट्रक्चर ले रहा है अगर तो पर यूनिट सेल बी एटम्स कितने हुए पर यूनिट सेल अगर हम बात करें

ए टू बी फोर और यहां पे ओ एट है ना अगर मैं देखूं यहां पे तो ए बी टू ओ फोर सुड बी द आंसर क्लियर सो ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर बेटा ठीक है ए बी टू ओ फोर है ना नाउ बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट बी सी सी यूनिट सेल ऑफ सॉलिड वन ओके ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है, एंड सॉलिड टू विद ऑफ़ एटम्स एच सोन बिलो द रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए ठीक है भाई बी का जो साइज है वो एटम ए के साइज से दो गुना ज्यादा है, है ना द यूनिट सेल एज लेंथ इज फिफ्टी परसेंट मोर अब देखो बेटा यहां पे जो यूनिट सेल की एज लेंथ है सपोज करो यहां पे ए है तो ये कितना है बेटा 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ ए अच्छा एक तो ये पॉइंट नोटिस करने जैसा है और साथ में क्या है रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू वॉट रेडियस ऑफ एटम बी जो है वो टू टाइम्स ऑफ वॉट रेडियस ऑफ एटम ए ठीक है तो द रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए क्लियर सो so, क्या करें चलो बढ़ते हैं एर्थ जो प्रॉब्लम है एक ठीक ठीक प्रॉब्लम है बेटा पूछ रहे हैं कि एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी अच्छा अपन लोग बात करें यहाँ पे सॉलिड वन की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी सॉलिड वन तो बेटा सिंपल ए ए की बी ए एटम से बना हुआ बी सी सी लेटिस है जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना हुआ बी सी सी लेटिस होता है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा इसकी पैकिंग फ्रैक्शन अपन लोगों ने निकाल रखी है कितनी सिक्सटी एट परसेंट है ना या 0.68 ठीक है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अपन लोगों को पता है करनी है कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी क्लियर तो कैसे करा जाए बेटा देखो अगर मैं बात करूं बेटा यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है मतलब द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लियर आउट ऑफ द होल वॉल्यूम प्रेजेंट ठीक है तो यहां पे अगर हम बात करें यहां कि भाई कितना होगा बेटा फर्स्ट पी एफ वन की बात कर रहा हूं सॉलिड वन के लिए तो यहां पे क्या होगा बीसीसी के लिए अपन लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स पॉइंट कितने होते हैं टू बेटा एक एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ओके है ना ना फिर उसके बाद जो है और ये रेडियस ऑफ एटम ए होगा

है ना तो वन इंटू वॉट फोर बाई थ्री पाई ऑफ आर ऑफ ए का होल क्यूब है ना ओके प्लस बी एटम कितना बेटा बी एटम है आपका फोर बाई थ्री पाई आर ऑफ बी का होल क्यूब अपॉन वॉट ए क्यूब ओके नाउ पी एफ टू हो गया पी एफ वन आपका और ठीक है अच्छा ए डेस्ट क्यूब होगा बेटा यहां पे, क्योंकि एज लेंथ इक्वल नहीं है एज लेंथ अलग अलग है तो ए डेस्ट क्यूब होगा अब जरा हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं ठीक है तो यहां पे क्या होगा बेटा पी एफ टू अपॉन पी एफ वन करते हैं हम लोग तो यहां से क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई तो कॉमन निकाल लो ठीक है अच्छा यहां पे क्या है बेटा आर ए का होल क्यूब प्लस आर बी का होल क्यूब ठीक है अपॉन वॉट अपॉन आएगा आपका टू इंटू फोर बाई थ्री पाई और यहां पे क्या आएगा आर ए का होल क्यूब है ना ओके भाई फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई कैंसिल आउट हो गया है ना अच्छा यहां से क्या आएगा बेटा ए क्यूब अपॉन एडेस का होल क्यूब है ना ठीक है तो अब देखो यहां पे अगर अपन लोग देखें तो पी एफ टू अपॉन पी एफ वन कितना आएगा यहां से यहां से बचा बेटा आर ए का होल क्यूब और rb का तो यहां से देखो आर ए का होल क्यूब तो ठीक ही है rb को हमने क्या लिखा rb को लिखा हमने टू टाइम्स ऑफ आर ना तो टू टाइम्स ऑफ आर ए रेडियस ऑफ एटम बी जो है वो दो गुना है ए के रेडियस से तो यहां पे अपन लोग जब टू टाइम्स ऑफ आर ए रखेंगे तो बेटा टू का होल क्यूब कितना आएगा एट है ना तो एट आर ए का होल क्यूब ठीक है अपॉन वॉट बेटा अपॉन आएगा आपका टू है ना आर ए का होल क्यूब इन टू वॉट ए क्यूब तो ओके okay है अपॉन ए डैश क्यूब कितना बेटा वन पॉइंट फाइव जो है वो वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ ए है तो वन पॉइंट फाइव का होल क्यूब इंटू ए क्यूब है ना अब जरा कैलकुलेसन करते हैं सिर्फ अब लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया तो ए क्यूब ए क्यूब कैंसल आउट हो गया और यहां से क्या आएगा नाइन ओके अपॉन टू इंटू वन पॉइंट फाइव है ना यहां से आ रहा है आपका नाइन आर ए क्यूब आर क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन निकालोगे तो है ना तो यहाँ से नाइन अपॉन टू इन टू वॉट वन पॉइंट फाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो है ना यहाँ से कितना बड़ा थ्री और यहाँ पे टू तो टू अपॉन वन पॉइंट फाइव है ना तो टू अपॉन वन पॉइंट फाइव ये कितना जाएगा बबड़ा देखो पैकिंग फ्रैक्शन टू अपन लोगों को निकालना है सेकेंड वाले का नीचे वाले का कितना बेटा 0.68 जीरो पॉइंट सिक्स एट और या सिक्सटी एट परसेंट के टर्म्स में बात करें इंटू टू अपॉन वन पॉइंट फाइव है ना तो ये क्या आएगा टू अपॉन वन पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट सिक्स एट ये आएगा आपका वन पॉइंट थ्री सिक्स अपॉन वन पॉइंट फाइव ओके तो अगर हम देखें यहाँ पे बेटा रफली ये पॉइंट नाइन के आसपास आ रहा है है ना तो पॉइंट नाइन के अराउंड जो है अगर हम पी एफ टू की बात करें तो पॉइंट नाइन के अराउंड कोई ऑप्शन दे रखा गया मतलब नाइन्टी परसेंट के आसपास की पैकिंग एफिशिएंसी आ रही और ये एक ही ऑप्शन है जो क्लोज है मतलब नाइनटी परसेंट की पैकिंग एफिशिएंसी आएगी सो so, अपन के पास जो ऑप्शन आएगा निकल के वो ऑप्शन नंबर वन होगा है ना ओके okay. सो so, आसान क्वेश्चन था बस थोड़ा सा उन्होंने जो है साइकोलॉजिकली आपको घुमाया था ठीक है बाकी आप करते जाते तो हो जाता है ये प्रॉब्लम है ना समझने में अपन लोगों को इतना टाइम जाता है जब अपन लोगों की प्रैक्टिस में होता है तो अपन लोग करते जाते हैं तो इतना समय नहीं जाता है, है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उठा आगे क्वेश्चन नंबर नाइन एन एलिमेंट हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ए द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ड्स ठीक है अगर अपन लोगों को ध्यान बेटा, तो जो है जो सी सी पी लेटेस्ट होता है ठीक है उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन होती है वो कहां पे होती है ध्यान है अपन को टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो लोकेशन है वो कहां होती है बॉडी डायगोनल पे होती है टू टेट्रैडल वॉइड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल ओके और उसमें क्लोजेस्ट बॉडी डायगोनल की बात करिए बेटा तो अपन लोगों को ध्यान हो तो टेट्रैडल वॉइड्स की लोकेशन को शो करने के लिए हम लोग इन सारी एजेस को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते थे ठीक है ध्यान आ रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सीसीपी यूनिट सेल के हम लोग आठ इक्वल हिस्से करते हैं है ना और ये आपका इस तरीके से जाएगा ओके okay. तो टेटल वर्ड्स की जरा लोकेशन पे हम लोग इसको मैं फोकस करता हूं यहां ये भाई अगर हम लोगों ने सीसीपी यूनिट सेल लिया तो उसका एक आठवां हिस्सा जो होगा वो ये वाला होगा ठीक है इस क्यूबिक का एर्थ पार्ट ठीक है जो रेड से मैंने कलर किया है यहां पे एटम यहां पे होगा यहां पे नहीं होगा एटम यहां पे होगा यहां नहीं होगा यहां पे होगा यहां नहीं होगा और यहां पे होगा क्लियर टेट्राइडल वॉइड एक्चुअली पे बनता है बेटा? पे बनता है, इसके सेंटर पे है ना क्लियर अब इस आठवें हिस्से के पास ठीक है जो सबसे क्लोजेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा बेटा वो इस आठवें हिस्से का बनेगा ठीक है ये वाला जो टेट्राइडल वॉइड होगा और नो ठीक है अच्छा क्योंकि ये बॉडी डायग्नल अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा तो ये बॉडी डायग्नल जो है ये वाला बॉडी डाइगनल ठीक है इस टेट्राइडल वाइड इस बॉडी डाइगनल के ऊपर यहां पे पड़ेगा एक टेट्राइडल वॉइड साथ में यहां पे यहां पे आएगा क्लियर सो so, ये टेट्राइडल वॉइड और इस टेट्राइडल वॉइड में अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये जस्ट एडजेसेंट एर्थ ब्लॉक जो बना है उसके ही अराउंड पास में होगा क्लियर तो सबसे क्लोजेस्ट अगर इसका सेंटर की बात करूं बुटा ये पूरी एज लेंथ कितनी है अपने पास एज लेंथ है ए है ना ओके अच्छा यहां से अगर टेट्राइडल वॉइड्स चलूंगा मैं ठीक है इसके सेंटर की बात करूंगा तो ये ए बाई फोर ए बाई फोर ठीक है ना बेटा और यहां पे अगर ए बाई फोर ए बाई फोर चला मैं और फिर उसके बाद यहां से ए बाई फोर बेटा तो दो टेट्राइडल वॉइड्स जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी आपके होगी ए बाई फोर प्लस ए बाई फोर ठीक है दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच दैट कम्स आउट टू बी ए बाई टू ओके कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये बॉडी डाइगनल वाले आपने क्यों नहीं लिए ठीक है आप देख सकते हो यहां पे रूट थ्री ए तो बॉडी डायगेल है उस पर बेटा सिमेट्री होने की वजह से इसमें अगर मैं बात करूं तो टू टेट्राइडल वॉइड्स है बेटा क्लियर तो इसका अगर मैं देखूं तो रूट थ्री ए

बढ़ते आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली अपन को पता है बेटा नंबर ऑफ एटम्स प्रजेंट सेल ओके सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है सिंपल क्यूबिक में सारे एटम्स कहाँ पे होते हैं कॉर्नर्स पे और एक कॉर्नर का जो एटम होता है वो आठ यूनिट सेल के साथ डिवाइड होता है तो सिंपल क्यूबिक के लिए अगर हम देखें

कॉर्नर्स पे तो हैं ही बेटा एट क्रॉस वन बाई एट प्लस जो फेसेस हैं है ना सिक्स फेसेस हैं और सिक्स फेसेस और हर एक फेस का जो सेंटर का आइटम है वो क्या बेटा जो है दो यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है हर एक आइटम तो यहाँ पे क्या होगा सिक्स इंटू वन बाई टू दैट इज वन प्लस थ्री इज टू फोर है ना तो जो आंसर आएगा बेटा अपना क्या आएगा वन इज टू टू इज टू फोर वैसे तो अपन लोगों को रटा होता है वो तो मैंने जस्ट यू ही सॉल्व कर दिया इसको क्लियर सो so, ये सबसे इजिएस्ट uh, क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं इसका सॉलिड स्टेट का ओके okay, तो वन इज टू टू इज टू फोर शुड बी द आंसर बेटा क्लियर तो क्वेश्चन नंबर टेन बहुत आसान था बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ है ना क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं हम लोग ओके okay. एलेवेन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लाइकली टू शो बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट ये भी अपन लोगों ने रट्टा मार रखा होगा बेटा क्लियर स्कॉट की डिफेक्ट जो होता है वो उन आयनिक सॉलिड्स में ज्यादा होता है जिसमें कैटाइन और एनाइन का रेडियस रेशियो या साइज काफी सिमिलर होता है है ना और कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू हाई होती है जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है बेटा लो कोऑर्डिनेशन नंबर के आयनिक कंपाउंड्स में होता है और जहां पे आयनिक करेक्टर कम होता है है से मिसिंग होते हैं, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है जो कैटाइंस होते हैं यूजली साइज में छोटे होने की वजह से वो आ, अपनी लेटेस्ट साइट को छोड़ के किसी इंडस्ट्री से साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं है ना तो ए जो है बेटा एक ऐसा केस है जिसमें दोनों ही टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं वो ऑब्जर्व होते हैं बेटा सो आंसर इसका क्या होगा ए जी बी आर वन क्लियर ये भी अपन लोगों को याद होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे देखो के बी आर और सी एस सी एल दोनों में ही क्या बेटा स्कॉट की डिफेक्ट होगा क्लियर क्योंकि रेडियस रेशियो या साइज़ का जो रेशियो है वो आ, जो है काफ़ी सिमिलर है दोनों का कैटाइन और एनाइन का ओके okay, और आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा है यहाँ पे जिंक सल्फाइड में क्या है बेटा रेडियस रेशियो का जो डिफरेंस है मतलब हम लोग बात करें कैटाइन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एनाइन तो ये जिंक टू प्लस जो है अपन का टेटल वर्ड्स में आता है अपन लोगों को पता है है ना तो इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होगा जबकि एजीबीआर में दोनों ही डिफेक्ट होंगे बेटा क्लियर अच्छा चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ओके कोई एक्स कंपाउंड है X melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state. ठीक है भाई X is option देखते हैं जरा कार्बन टेट्राक्लोराइड जिंक सल्फाइड मर्करी एंड सिलिकन कार्बाइड ओके तो जरा देखो बेटा यहां पे मर्करी की हम बात कर नहीं सकते बेटा मेटेलिक नेचर का है लिक्विड तो है ठीक है बैड कंडक्टर तो नहीं बोल सकते ना इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर अच्छा नाउ <coughs> तो आपका ये हटा दो सिल्कन कार्बाइड लो मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं रखता बेटा अपन लोग जानते हैं क्लियर ये आपके जो है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है क्लियर सो सिलिकन कार्बाइड छोड़ दो जिंक सल्फाइड की बात करते हैं ठीक है तो ये भी सॉलिड फेस में ही रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक जो है मोलिकुलर सॉलिड है बेटा ठीक है तो सी सी एल फोर या मोलिकुलर क्रिस्टल बोल सकते हैं हम लोग इसको ओके सी सी एल फोर की बात करें तो इसमें ये नॉन पोलर है बेटा ओके okay, इसका मेल्ट टेम्परेचर uh, भी क्या होगा लो टेम्परेचर एंड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ओके और लो मेल्टिंग पॉइंट है जबकि सिल्कन कार्बाइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेटा जिंक सल्फाइड जो है आयनिक करेक्टर का है तो लिक्विड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही सकता है ठीक है नाउ मोल्टन फॉर्म में तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सीधी सी बात है कार्बन टेट्राक्लोराइड जा रहा है बेटा क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना सरफेस केमिस्ट्री का बेटा तो हम देख सकते हैं कि 22 जो है क्वेश्चन पेपर्स में से 12 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट पे आए हैं और सॉलिड स्टेट में हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन लोगों ने देखा थ्री डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें ठीक है उससे क्वेश्चन बने हैं है ना और फ्रेंकल शॉट की डिफेक्ट से एक दो क्वेश्चन ही आए हैं क्लियर बेसिक से क्वेश्चन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है एटम्स uh, के अरेंजमेंट की है ना नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग सरफेस केमिस्ट्री की तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हम लोग uh, शुरू करते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलोज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ओके फ्रेंडलिक एड्पन आइसोथर्म अपन लोगों को याद आ रहा होगा कि फ्रेंडलिक ने जो है गैसेस का सॉलिड सरफेसेस के ऊपर जो है एडजोर्पन के करस्पॉन्डिंग एक आइसोथर्म जो है एड्जॉर्न आइसोथर्म प्रपोज करा था क्लियर जिसका अपन लोगों को ही याद आ रहा होगा कि एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टू द पावर वन बाई एन क्लियर अच्छा तो जहां पे पी क्या था पार्सल प्रेशर ऑफ प्रेस्� द गैस एड्जॉर्ब ओवर द सरफेस और जहां पे सरफेस ऑफ द एडजोर्बेंट एम इज द मास ऑफ द एडजोर्बेंट एंड एक्स इज द गैस एड्जॉर्ब है ना क्लियर तो अमाउंट ऑफ द गैस एडजोर्ब ओवर द या हम लोग बोले पर यूनिट मास ऑफ द एडजोर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्सल प्रेशर ऑफ द गैस ओके तो अगर हम देखें यहां पे अपन लोगों को लॉग ऑफ एक्स बाई एम वर्सेस लॉग ऑफ पी का ग्राफ दे रखा है तो करना क्या है अपन लोगों को बताना है कि so ज़रा देखते हैं बेटा अपन लोग एक्स बाई एम इजिकल टू वॉट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के लेते हैं और यहां पे पी टू दावर वन बाई एन करते हैं लॉग ऑफ एक्स बाई एम इजिकल टू वॉट लॉग के प्लस वन अपॉन एन लॉग ऑफ पी ठीक है ना अब अपन लोगों को करना है? लॉग ऑफ एक्स बाई एम वर्सेस लॉग पी का ग्राफ हमें बनाना है ठीक है तो जो ग्राफ अपन लोगों को बना हुआ है ऑब्वियस वाईजल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ आएगा जहां पे स्लोप क्या देगा बेटा अपन लोगों को जो टेन थीटा है स्लोप वो अपन लोगों को देगा वन बाई एन ओके नाउ अब अपन लोग बात करते हैं यहां कि अपन लोगों को टेन थीटा कितना दे रखा है ये आपका टू यूनिट और ये आपका फोर यूनिट ठीक है तो अपन लोग टेन थीटा क्या लिखेंगे बेटा ओके आपको हाइट अपॉन बेस जो है टू बाई फोर टू टेन थीटा आपका आ रहा है वन बाई टू ओके सो एक्स बाई एम क्या होगा एक्स बाई एम होगा आपका एक्स बाई एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसर टू द पावर वन बाई टू ओके नाउ सो दिस इज योर प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा क्लियर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ओके प्रॉब्लम पढ़ते हैं बेटा सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट माना जाता है उससे ही ज्यादा फ्रेम होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पार्ट से फॉर कोगुलेशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव हम लोगों को पता है कि जो लायोफोबिक सोल होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर तो अगर इलेक्ट्रोलाइट की कोई हम लोग एडिशन एडिशनली इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कराते हैं तो उस केस में क्या होता है वहां पे जो है

नेगेटिवली चार्ज सोल के करस्पोंडिंग हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट कैसा चाहिए हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए है एक ऐसा जिसमें पॉजिटिव आयंस मौजूद हो अब वो कह रहे हैं सबसे इफेक्टिव सॉल्ट कौन सा होगा तो अपन लोगों को पता है बेटा कोगुलेशन पावर जो होगी से वो सबसे ज्यादा किसकी होगी यहां पे अगर देखें तो कैटायन बीए 2 प्लस है बीए 2 प्लस कैटायनिक आयन कैटायन का जो चार्ज है और कोगुलेशन पावर जो होती है बेटा वैलेंसी पे डिपेंड करती है ओके जितना ज्यादा चार्ज होगा होगा उतना ही क्या कोगुलेशन पावर होगी तो यहां पे सबसे ज्यादा कैटाइनिक चार्ज किसका एल्यूमिनियम प्लस थ्री का सो so आंसर आपका क्या होना चाहिए ए एल सी एल थ्री विल बी द मोस्ट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ फिफ्टीन नंबर देखो करेक्ट मैच बिटवीन आइटम वन एंड आइटम टू क्लियर पढ़ते हैं जरा पहला है बेंजेलडी दूसरा है एलिमिना तीसरा है ओके okay? so, जो आपको कॉलम दे रखा है मोबाइल फेस गतिशील प्रावस्था एडजोरबेंट और एड्जोर्बेट ओके okay भाई तो ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा अगर हम देखें तो सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम इस जो सरफेस केमिस्ट्री का क्रोमेटोग्राफी में जो एप्लीकेशन होता है बेटा क्रोमेटोग्राफी हम लोग जानते हैं कि एड्जॉर्न के बेसिस पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी एक सर्टेन जो है आइसोलेशन ऑफ मिक्सचर जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उनको आइसोलेट करना प्यूरिफाई करने का एक तरीका होता है जैसे डिस्टिलेशन वगैरह होता है क्लियर तो क्रोमेटोग्राफी का ये पार्ट है ओके जिसमें अपन लोग बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें अपन लोग एक जो है जो एडजॉर्बेंट होता है बेटा क्लियर उसके ऊपर मतलब ग्रेविटी के अंदर हम लोग जो फनल होती है उसमें जो है एडजॉर्बेंट को भरते हैं ऊपर से जो मिक्सचर का सॉल्यूशन होता है उसको डालते हैं तो उसमें जो एडजॉर्बसन का रेट होता है ऑब्वियस है एक तो जो होता है जो एड्जॉर्ब होता है और दूसरा जो एडजॉर्ब नहीं होता है तो वो मोबाइल फेस की तरीके से आ, रहता है यहां पे तो अगर हम बात करें बेंजलडी हाइड और एसिटोनाइट्राइल के मिक्सचर की बेटा तो इसको एल्यूमिना की सरफेस के ऊपर हम लोग क्या कराते हैं एडजॉर्ब कराते हैं तो एल्यूमिना यहाँ पे जो है वो है एडजॉर्बेंट एड्जॉर्बेंट कौन है क्यू ओके सो बी का मैचिंग जो है क्यू आ रहा है बी का मैचिंग क्यू अपन लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वैसे तो हम लोग और भी बातें करेंगे यहाँ पे बेंजलडी जो है और एसीटोनाइट्राइल बेनज बेटा की टेंडेंसी कम होती है तो ये मूव करता है so मोबाइल है ये पी हो गया बेटा तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपन लोगों को क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का कौन सा मिलेगा ऑप्शन थ्री ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ओके प्रॉब्लम नंबर 16 डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके डाइक्लोरोमीथेन और वाटर के मिक्सचर की बात हो रही है यहां पे डीसीएम एंड वाटर वुड स्टे एट लोअर एंड अपर लेयर रिस्पेक्टिवली, ओके डाइक्लोरोमीथेन हम लोग समझते हैं बेटा CH2Cl2 होता है और H2O क्लियर तो अगर हम देखें पे जब इसको फनल में हम लोग लेते हैं बेटा ठीक है इस तरीके से जो फनल होती है ठीक है तो डीसीएम जो होगा जो इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा 1.33 ग्राम पर एमएल जबकि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर एम क्लियर तो जो ऑब्वियस दोनों वाटर जो है इसका नेचर डिफरेंट है बेटा क्लियर सी एच टू सी एल टू से है ना तो सी एच टू सी एल टू का पोलर नेचर कम है वाटर का ज्यादा है तो ये इमिसेबल लिक्विड्स हैं दोनों ही जैसे क्लोरोफॉर्म वाटर या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर ठीक है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर की बात करें तो ये दोनों ही क्या है डिफरेंट नेचर के लिक्विड्स हैं तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो डी वुड स्टे एज लोअर एंड अपर लेयर रिस्पेक्टिवली इन जो इन द सेपरेटिंग फनल ओके तो जो सेपरेटिंग फनल होगी उसमें जब हम लोग रखेंगे तो क्या होने वाला है ऑब्वियस जो डेंसिटी ज्यादा होगी जिसकी डीसीएम नीचे ही रहेगा क्लियर और यहां पे बेटा जो वाटर होगा वाटर जो है आपका ऊपर ही रहने वाला है क्लियर अच्छा तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका लेकिन जरा दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं डीसीएम एंड वाटर वुड स्टे अपर एंड लोअर रिस्पेक्टिवली डीसीएम जो है ऊपर रहेगा वाटर लोअर रहेगा ये तो गलत है कहना है ना डीसीएम एंड वाटर विल बी मिससेबल क्लियरली ये क्लियरली मिससेबल तो नहीं बेटा ही दोनों ही डीसीएम एंड वाटर विल मेक टर्बिड एंड कोलाइडल मिक्सचर ऐसा भी गलत है बेटा कोई कोलाइडल मिक्सचर नहीं होगा देयर विल बी सेपरेट लेयर्स जैसे कि ऑयल और वाटर को हम मिलाते हैं क्लियर सो so, <coughs> यहां पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका आंसर आपका फर्स्ट जाएगा क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं है ना सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन ओके हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन पहला है बेटा ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस में क्या होता है अपन लोगों को पता है नाइट्रिक एसिड बनाते हैं अमोनिया और ऑक्सीजन से क्लियर सो so, क्या होता है बेटा इसमें अगर हम देखें तो अमोनिया प्लस ऑक्सीजन प्रोसेस में पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं यहां पे, ओके फोर एन थ्री प्लस यहाँ पे आपका सिक्स एस टू ओ फोर एनएस थ्री सिक्स एस टू फोर एन ओ है ना ठीक है भाई तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा ओके यहाँ पे प्लेटिनम जो है जो है आपका कैटलिस्ट uh, होता है बेटा अमोनिया गैस है ऑक्सीजन गैस है लेकिन प्लैटिनम क्या है सॉलिड सरफेस है बेटा तो ये हेटरोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है क्लियर नेक्स्ट क्या है आपका हेबर प्रोसेस हेबर प्रोसेस अपन लोग जानते ही हैं हेबर प्रोसेस में क्या होता है हेबर प्रोसेस क्या है भाई हेबर प्रोसेस में N2 गैस 3H2 गैस गिव्स व्हाट 2 टाइम्स ऑफ NH3 ओके okay? ये भी गैसीय से लेकर बड़ा इसके लिए कैटलिस्ट क्या होता है आयरन जो कि सॉलिड फेज में है या मोलिपडेनम एक प्रोमोटर की तरीके से हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो हेबर प्रोसेस जो है ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी हेट्रोजीनियस रिएक्शन है है ना हेट्रोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शन है कम्बस्टन ऑफ कोल अगर कोल के कम्बस्न की बात करें बेटा तो सी प्लस ओ टू गिवॉट सी ओ टू देर इज नो केटलिस्ट नीडेड है ना ओके okay. सो एयर का सप्लाई जरूरी है यहां पे कैटालिटिक रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्लियर सो so, एक तो आंसर आपका ये हम सोच सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे भी जरा देख लेते हैं हम लोग ओके तो यहां पे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स की बात करते हैं बेटा तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स जब हम लोग देखते हैं तो यहां पे क्या होगा वेजिटेबल ऑयल्स का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या होता है हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल ठीक है निकल के तरीके से के साथ करते हैं ओके okay, क्या बनता है बेटा वेजिटेबल घी क्लियर सो वेजिटेबल घी जो बनता है वेजिटेबल ऑयल्स और वेजिटेबल घी दोनों में जो है ये कन्वर्ट करते हैं हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स में होता क्या बेटा बॉन्ड्स होते हैं डबल डबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड क्लियर उनका सेचुरेशन हो जाता है तो यहां पे क्या होगा एच और एच क्लियर तो कहने का ये मतलब है यहां पे कि जो कैटलिटिक रिएक्शन है निकल या अपन लोग पैलेडियम के साथ या प्लेटिनम के साथ करेंगे तो ये भी हाइड्रोजीनियस कैटेलिटिक रिएक्शन है तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा जा रहा है अपना ऑप्शन नंबर थ्री क्लियर सेवनटीन हो गया बेटा चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोल आर द एग्जाम्पल ऑफ ओके गोल्ड सोल बेटा मेटलिक सोल है ये नेगेटिव सोल है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है क्लियर सो अपन लोग देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल दोनों तो पॉजिटिवली नहीं होते हैं नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज सोल रिस्पेक्टिवली ये भी गलत है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज सोल्स रिस्पेक्टिवली ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बटा हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है और गोल्ड नेगेटिवली चार्ज सोल होता है ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल क्लियर पेंट हेयर क्रीम बटर और जेम स्टोन बट ऑब्वियस अपन लोगों को सॉलिड सोल बताना जेम स्टोन ही क्या है आपका सॉलिड इनटू सॉलिड का एग्जाम्पल है क्लियर तो सबसे जो आंसर जाएगा इसका जेम स्टोन बाकी तो हम लोगों को याद है ही ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग ट्वेंटी की तरफ तो बहुत आसान से मतलब कोलाइडल पार्टिकल से मतलब कोलाइडल सोल से ही हम लोग देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और ये जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री एक स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है बेटा क्लियर ओके कभी कभार पांच दस क्वेश्चन में से कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें हम लोगों को कुछ सॉल्व करना होता है बाकी लर्निंग बेस्ड ही है पूरा चैप्टर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो अमंग द कोलाइड्स चीज मिल्क एंड स्मोक आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम ओके चीज क्या होता है बेटा सॉलिड इंटू लिक्विड सॉलिड इन इंटू लिक्विड ओके तो चीज अपन लोगों को पता है चीज क्या होता है लिक्विड इंटू सॉलिड लिक्विड इंटू सॉलिड ठीक है मिल्क क्या होता है भाई लिक्विड इंटू लिक्विड लिक्विड डिस्पर्स इंटू लिक्विड ठीक है और जो स्मोक होता है वो क्या होता है स्मोक होता है सॉलिड इनटू गैस तो सॉलिड इनटू गैस कोई देखो भाई लिक्विड इनटू लिक्विड ओके लिक्विड इनटू सॉलिड चीज ये करेक्ट है लिक्विड इनटू लिक्विड ये भी करेक्ट हो गया सॉलिड इनटू गैस सो ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट वन क्लियर ओके चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो राइट ऑप्शन जाएगा बेटा अपन देख सकते हैं यहां कि ऑप्शन नंबर टू ही करेक्ट जाएगा ओके बढ़ते हैं आगे ट्वेंटी वन की तरफ ओके बोला जा रहा है कि गैसेस दे रखी हैं बेटा और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं वो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रेडिक्टच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज सोज ऑफ चारकोल क्लियर ऑन द अमाउंट ऑफ चारकोल हम लोगों को बताना है कि सबसे कम एड्जॉर्न किस गैस का होगा तो और हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा बड़ा, लोगों को पता है जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है ठीक है जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उसका लिक्विफिकेशन क्या होता है बेटा आसान होता है लिक्विफिकेशन इजियर होने की वजह से क्या होगा क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका हाई उसका लिक्विफिकेशन आसान और जिसका लिक्विफिकेशन आसान होगा है ना उसका एड्जॉर्पन भी क्या होगा बेटा ज्यादा होगा ये दिमाग में बैठा लो क्लियर क्योंकि वनडोवर्ल्ड अट्रैक्शन या जो भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होंगे वो ज्यादा होंगे क्लियर सो so, एड्जॉर्पन का जो एक्सटेंट होगा वो ज्यादा होगा तो हमें ये देखना है बेटा कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका एड्जॉर्प्शन भी कम होगा तो अगर हम देखें तो यहां पे क्वेश्चन जो है सबसे लीस्ट एड्जॉर् क्रिटिकल टेंपरेचर किसका दिख रहा है हाइड्रोजन का लीस्ट एड्जॉर्प्शन दिख, uh, दिख रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर दिख रहा है बेटा इस वजह से हाइड्रोजन गैस का चारकोल की सरफेस के ऊपर लीस्ट एड जो ऑप्शन होने वाला है ना ओके okay. तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हो गया आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ओके क्वेश्चन नंबर टू अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है कि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं बेटा यहां पे जो है लेटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल विच आर पॉजिटिवली चार्ज ओके तो लेटेक्स ओके यहाँ पे एक जो है आप देख लेना ये जो है हिंदी जो है इसका करेक्ट नहीं है है न हिंदी जो है सेकंड का होगा और यहाँ पे हम्म, थोड़ा हिंदी का जो है ऑप्शन चेंज हो गया है है ना? तो फिलहाल अपन लोग इंग्लिश पे ही बात कर लेते हैं बेटा ठीक है कि लेटेक्स जो होता है रबर लेटेक्स हम लोग जानते हैं इज अ कोलाइडल सोल्यूशन और ये एनसीईआरटी में अपन लोगों को लाइन टू लाइन बिल्कुल जब हम लोग लास्ट में कोलाइडल सोल्यूशन का एप्लीकेशन पे बात करते हैं तो वहां पर यह बात लिखी है कि जो रबर बनाई जाती है क्लियर वो रबर लेटेक्स एक कोलाइडल सोल्यूशन से बनाई जाती है बेटा जो कि निगेटिवली चार्ज होता है क्या होता है निगेटिवली चार्ज ओके समझ रहे बात को क्लियर यहां पे क्या दे रखा अपन लोगों को पॉजिटिव रिचार्ज और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो अपन लोगों को कॉगुलेशन से रबर मिलती है ठीक है बेटा क्लियर अच्छा तो लेटेक्स आपका ऑप्शन फॉल्स स्टेटमेंट तो पहले ही हो गया बेटा बाकी के ऑप्शन को भी जस्टिफाई कर लेते हैं आंसर तो इसका फर्स्ट ही जाने वाला है क्लियर इट इज पॉसिबल कॉज आर्टिफिशियल रेन बाई थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सेंड कैरिंग चार्ज अपोजिट टू द वन ऑन द क्लाउड्स फ्रॉम द एरोप्लेन ये बात करेक्ट है बेटा क्लियर आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाती है जब जो है क्लाउड्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसके अपोजिट चार्ज की सेंड को अगर हम लोग क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं क्लियर तो ये करेक्ट है टिंडल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग बिटवीन कोलाइडल सोल्यूशन एंड अ ट्रू सोल्यूशन ये बात करेक्ट है बेटा जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं टिंडल इफेक्ट हम जानते ही हैं कि दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द कोलाइडल पार्टिकल्स क्लियर पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो लाइट के वेवलेंथ के डाइम जो है ऑर्डर का होता है बेटा इस वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ट्रू सॉल्यूशन में शो so नहीं होती क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना नाउ नेक्स्ट क्या है अपने पास नेक्स्ट है बेटा फोर्थ लायोफो सोल कैन बी कॉगुलेटेड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट ये बात करेक्ट है बेटा कि सोल को तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा के आसानी से कागुलेट कराते हैं बट जब सोल की बात आती है तो सोल को इतने आसानी से हम लोग कॉगोलेट नहीं करा पाते हैं पहले इसमें मतलब हम लोग सोलवेंट चेंज कराते हैं क्लियर और सॉलवेंट चेंज कराने के बाद हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट डाल के कागुलेट करा सकते हैं तो करा तो सकते ही बेटा क्लियर सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन वन हुआ क्लियर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ओके अगेन सिमिलर क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमने करा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है यहां पे फ्रेंडली का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलोज फ्रेंडली का एड्जॉर्न आइसोथर्म एक्स इज द मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब ऑन मास ऑफ द प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ अगेन फिर से वही एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन और अपन लोगों ने क्या निकाला था बेटा वहां से लॉग ऑफ एक्स बाई एम टू वॉट के प्लस देखते हैं तो स्लोप क्या आती जो होता है वो यहाँ पे कितना वन अपॉन एन आएगा ठीक है और वन अपॉन एन आएगा मतलब यहाँ पे टू बाई थ्री इज टू वन अपॉन एन तो एन कितना n, है ना? तो अगर हम देखें बेटा तो x बाई एम जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर वन बाई एन के तो यहां पे क्या आएगा p की पावर टू बाई थ्री है ना p टू दी पावर टू बाई थ्री यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू है ना क्लियर सो ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल थर्टीन प्रॉब्लम का बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको सिर्फ डेटा चेंज है थोड़ा सा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखो क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट टू सेवन ग्राम ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स वॉज डिजॉल्व इन हंड्रेड सेंटीमीटर या हंड्रेड एम एल ऑफ है ठीक है, है पे सॉल्वेंट हुआ ध्यान से पढ़ना टेन एम एल ऑफ दिस सॉल्यूशन वॉज एडेड ड्रॉप वाइज ओके टू द सरफेस ऑफ वॉटर इन अ राउंड वॉच ठीक है हम लोगों ने एक राउंड वॉच ले ली है ना इसकी ऊपर हम लोगों ने ड्रॉप ऑफ वाटर हैगजेन एवेपरेट्स एंड मोनो लेयर इज फॉर्म्ड ठीक है भाई जो हैगजेन सॉल्वेंट है वो मोनो लेयर के तौर पर क्या हो जाता है जो एवेपरेट हो जाता है और एक मोनो लेयर यहाँ पे क्या हो जाती है एडजॉर्ब हो जाती है ठीक है इस वॉच के ऊपर ठीक है अच्छा साथ में वो कह रहे हैं द डिस्टेंस फ्राम द एज टू देंटर ऑफ द वॉच ग्लास इज टेन सेंटीमीटर तो यहाँ से जो रेडियस है वो कितना है टेन सेंटीमीटर ठीक है अब देखो यहां पे जो दस सेंटीमीटर है द डिस्टेंस फ्रॉम द एज टू देंटर ऑफ द वॉच इज सेंटीमीटर वॉट इज द हाइट ऑफ द मोनोलेयर मोनोलेयर की हाइट क्या होगी ठीक है नाउ 0.27 ग्राम ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड वाज़ रिजॉल्व इन 100 एम एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग कि भाई पॉइंट टू सेवन ग्राम फैटी एसिड है उसको हम लोगों ने हंड्रेड एम में डाला बेटा ठीक है हंड्रेड एम में सोल्यूशन बनाया उस सोल्यूशन का दस एम अपन लोगों ने क्या करा वॉच ग्लास के ऊपर जो है डिस्पर्स कर दिया ओके टेन एम एल ऑफ दिस सोल्यूशन वॉज एडिड ड्रॉप वॉइस टू द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ राउंड वॉच ग्लास ठीक है ओके राउंड वॉच ग्लास है जिसमें हम लोगों ने उसको एडजॉर्ब कराया है हैगजेन एवेपरेट्स एंड मोनोलेयर फॉर्म द डिस्टेंस फ्रॉम द एज टू क्लियर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि एक वॉच ग्लास है उसके ऊपर बेटा एडजॉर्प्शन हुआ है फैटी एसिड का ओके okay, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो एडजॉर्प्सन हुआ है फैटी एसिड का ठीक है उसकी अपन लोगों को कुछ थिकनेस आई होगी वो थिकनेस बेसिकली हम लोगों को निकालनी है ठीक है ये वॉच ग्लास है अपनी बेटा ठीक है ओके okay. अब देखो क्या डेटा अपन लोगों को दे रखा है डेंसिटी ऑफ फैटी एसिड दे रखी है है ना अच्छा जी अब देखो बेटा इस सरफेस के ऊपर पूरा ये एड्जॉर्ब हुआ है ठीक है फैटी एसिड वॉच ग्लास के ऊपर तो करना क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम ठीक है इस मोनोलेयर का जो एड्जॉर्ब हुई है मोनोलेयर उसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच ध्यान देना यहां पे ठीक है आर अपन लोगों को सेंटीमीटर में दे रखा है क्लियर डेंसिटी आपको दे ही रखी है बड़ा वेट कितना होगा ठीक है डब्लू पता करना है डब्लू कितना होगा बड़ा ठीक है डब्लू अपन लोगों को जीरो दे रखा है कितने में हंड्रेड एम में और हम लोगों ने कितना सोल्यूशन यूज कर रहा है टेन एम मतलब यहां पे और डेंसिटी कितनी दे रखी बेटा आपको जीरो पॉइंट नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ओके आर आपको कितना दे रखा है बेटा आर दे रखा है टेन सेंटीमीटर ओके तो आर टेन सेंटीमीटर दे रखा है चलो भाई यहां से टेन सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं एन टू एच अब जरा बेटा सिर्फ सॉल्व करना बाकी गया एच इज इक्वल टू क्या होगा ऊपर से आ रहा है देखो यहां पे ऊपर जो है अपन लोगों को एच को जब यहां से निकालेंगे तो एच क्या आएगा देखो पॉइंट जीरो टू सेवन तो ऊपर से आ रहा है ठीक है ये कितना होगा पाई इंटू वाट हंड्रेड इंटू वॉट पॉइंट नाइन ओके और ये आपको जो है कितना देगा हम्म इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आने वाला है है ना अब देखो एच जो है ट्वेंटी सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री कर दिया और यहां से पाई और ये भी कितना बेटा इसको ट्वेंटी सेवन इंटू टेन टू दावर थ्री कर दिया क्लियर ये कितना देखो यहां से पाई को तो अपन लोगों ने थ्री उसमें दे ही रखा है बेटा क्लियर तो थ्री इंटू नाइन और ये टेन टू दी पावर सॉरी सिर्फ टेन बचेगा मतलब ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन मतलब तो टेन टू दावर माइनस फोर सेंटीमीटर आ रहा है है ना ओके अब अपन लोगों को जो है टेन टू दावर माइनस फोर मीटर दे रखा है टेन टू दाइन सिक्स मीटर दे रखा है क्लियर सो आंसर क्या आएगा बेटा इसका मीटर में अगर हम देखें तो टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर आएगा क्लियर सो so, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा यहाँ पे टेन टू दावर माइनस सिक्स ऑप्शन वन ट्वेंटी फोर का जो है ऑप्शन नंबर वन करेक्ट जाएगा क्लियर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बेटा अच्छा प्रॉब्लम था बस थोड़ा समझने जैसा था पढ़ने के बाद हम लोगों को डिफिकल्ट लगता है ओके okay. लेकिन होता आसान है सरफेस केमिस्ट्री में पूछ ही क्या सकते हैं वो जो मोनोलेयर का एक एडजॉर्पन है उसका ही कुछ डायमेंशन पूछ सकते हैं थिकनेस पूछ सकते हैं क्लियर सरफेस एरिया पूछ सकते हैं एरिया दे रखा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकते हैं है ना इस तरीके की प्रॉब्लम्स बनती हैं अगर मैथमेटिक्स पे जाते हैं है ना चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं ट्वेंटी फाइव द एरोसोल इज अ काइंड ऑफ कोलाइड इन इन विच एरोसोल क्या होता है बड़ा लिक्विड डिस्पर्स इन वाटर ये तो गलत हो गया गैस डिस्पर्सेंट सॉलिड ये भी गलत है सॉलिड डिस्पर्सेंट गैस ठीक है ये करेक्ट है बेटा एरोसोल है ना चलिए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स शुरू करते हैं एक बार है ना इस क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा और इसको एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से कि टेन एम एल ऑफ वन मिली मोलर सरफेक्टेंट सोल्यूशन फॉर्म अ मोनोलेयर कवरिंग पॉइंट टू फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ पोलर सब सबस्ट्रेट ठीक है तो पोलर जो सबस्ट्रेट है द पोलर हेड इज अप्रोक्सीमेटलीज अ क्यूब वॉट इज इट्स एज लेंथ एज लेंथ क्या होगी इसकी है ना तो देखो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो सरफेक्टेंट सोल्यूशन दे रखा है उसमें सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने होंगे क्योंकि वही सारे मोलिक्यूल्स जो है वो एरिया को कवर कर रहे हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स जो मिलके बेटा सरफेस को कवर कर रहे हैं है ना तो ये जो सरफेस है ये सारे मॉलिक्यूल्स इसको कवर करेंगे मोनोलेयर बन रही है है ना तो इस तरीके से जो है जब मोनोलेयर बनेगी ठीक है तो यहां पे क्या होगा इस तरीके से मोनोलेयर बन जाएगी बेटा ठीक है तो अगर हम देखें तो पहले हम ये पता करते हैं कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं कितने ठीक है तो ये तो अपन लोगों का सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट हो गया सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहले हम देखते हैं मोल ऑफ सर्फेक्टेंट कितने हैं भाई मोल ऑफ सर्फेक्टेंट जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स रहेंगे क्लियर वो कितने होंगे बेटा मोलरटी इन वॉल्यूम कर दो तो मोल आ जाता है मोलरटी कितनी दे रखी है अपन लोगों को टेन टू दी पावर माइनस थ्री मोलर वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 टू दी पावर माइनस 2 लीटर है ना 10 है मतलब ये तो 10 डॉमाइनस 2 लीटर होगा मतलब 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल ठीक है अब अपन लोग देखें कि सरफेक्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं तो नंबर ऑफ सरफेक्टेंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सरफेक्टेंट्स वो कितने हैं दे आर वॉट टेन टू दावर माइनस फाइव इन टू वॉट एवेगो नंबर टेन टू दावर माइनस फाइव इन टू नंबर यही सारे मिलके क्या कर रहे हैं बेटा ये कवर कर रहे हैं किसको .0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को क्लियर सो so, अगर हम देखें और एक जो पोलर हेड है सबसेट का ठीक है सरफेक्टेंट का जो पोलर हेड है वो अप्रोक्सीमेटली क्यूबिक साइज सेप का है तो अगर इसको हम लोग देखें तो एक क्यूबिक जो सेप होगा बेटा एरिया के टर्म से हम बात करें तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा ए स्क्वायर ठीक है और ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर इंटू वॉट एक पार्टिकल का जो साइज है सरफेस एरिया कवर करा है एक पार्टिकल ने वो तो ए स्क्वायर का रबड़ा नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टेन की पावर माइनस फाइव इन एन ये टोटल एरिया मिलके कितना होना चाहिए बड़ा जीरो पॉइंट टू फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है भाई ठीक है अब देखो यहाँ पे अपन लोगों को आइडेंटिफाई क्या करना है एज लेंथ एज लेंथ ए क्या होगा बेटा देखो जीरो ठीक है जीरो पॉइंट टू फोर अपॉन क्या आएगा सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री माइनस फाइव कर दो इसको यहां से आएगा आपका इसको पॉइंट जीरो फोर करा अपन ने सिक्स से कैंसिल आउट होगा ओके अब अवेगटो तो नंबर को सिक्स पॉइंट जीरो टू 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 पावर ट्वेंटी थ्री ना लिख के सिक्स अप्रोक्सीमेटली लिख दिया सिक्स इंटू टू पावर ट्वेंटी थ्री है ना इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा और ये टेन की पावर माइनस आएगा ठीक है अब यहां से देखो तो ए स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है फोर इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो ए कितना आया बेटा ए आया टू इंटू टेन टू दावर माइनस टेन सेंटीमीटर ठीक है अब ये जो है अगर हम देखें तो इसको टू इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व मीटर बोल सकते हैं बेटा इसको मतलब टू पिकोमीटर बोल सकते हैं क्योंकि आंसर अपन लोगों को पिकोमीटर में ही देना बेटा हाँ पिकोमीटर नैनोमीटर में तो टू पिकोमीटर इज द आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो ऑप्शन नंबर फोर जो है अपन लोगों का करेक्ट जाएगा ठीक है टू पिकोमीटर समझ में आ गया बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है ना ट्वेंटी सेवन देखो ओके

टू दी पावर वन बाई एन है ना तो एड्जोप्शन है ऑफ गैस जो बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है बेटा एडजोप्शन बढ़ता है, है वैल्यू बढ़ती है क्लियर अच्छा इस तरीके से ग्राफ आता है तो प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा बेटा और टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा कम रखना पड़ेगा क्लियर तभी अपन लोगों का जो गैस का एडजॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा ये बात तो पता है अपन लोगों को तो यहां पर डिक्रीज इन प्रेशर गलत है बेटा इनक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट जाएगा प्रेशर इंक्रीज करो और टेम्परेचर को डिक्रीज करो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज ओके तो करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग हम लोगों को बताना बेटा इसमें स्टेटमेंट देखते जाते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ब्राउनियन मोशन इन अ कोलाइडल सोल्यूशन इज फास्टर इफ विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज वेरी हाई ऑब्वियस ब्राउनियन मोशन जो है लेस विस्कस जो कोलाइडल होगा उसमें ज्यादा रेपिड होगा क्लियर कोलाइडल पार्टिकल्स का जो हाइयर हाईली विस्कस कोलाइडल सोल होगा उसमें ब्राउनियन मोशन बहुत स्लो जाएगा क्लियर ब्राउन मोशन अपन लोग जानते हैं जिक्जैक्ट मोशन होता है पार्टिकल्स का कोलाइडल पार्टिकल्स का ड्यू टू अनबैलेंस बंबारमेंट ओके बाई द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम है ना अगर डिस्पर्सन मीडियम बहुत विस्कस होगा तो ऑब्वियस है आ, यहाँ पे ब्राउन इंड मोशन भी स्लो आपको ऑब्जर्व होगा फास्ट नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमें करेक्ट बताना है है ना एडिशन ऑफ एलम टू वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ऐसा गलत है बेटा एलम जो है वाटर के अंदर मौजूद जो क्ले है या डस्ट है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोडियल पार्टिकल्स जो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको वो सटल डाउन कर देता है ठीक है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ओके तो वाटर जो है एक तरीके से प्यूरीफाई करते हैं हम लोग ऐड करा के एलम को तो ये अनफिट की जगह वाटर जो है गंदा पानी जो होता है साफ हो जाता है ओके फिट फॉर ड्रिंकिंग तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कोलाइडल पार्टिकल इन लाइफोबिक सोल कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस ये बात करेक्ट है बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं कोलाइडल सोल को जो है हम लोग उसमें अगर इलेक्ट्रोड्स डालते हैं ठीक है तो क्या होता है भाई इलेक्ट्रोड्स डालते हैं तो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है करस्पोंडिंगली अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ वो जो है मूव करते हैं बेटा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपने चार्ज को नलीफाई करके वो कॉगुलेट हो जाते हैं क्लियर शो so, ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग ठीक है मतलब आंसर आपका थर्ड जाना चाहिए ऑप्शन नंबर फोर देख लेते हैं कोलाइडल आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया गलत है बेटा कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल मेडिसन्स uh, की जो प्रॉपर्टी है वो लार्जेस्ट सरफेस एरिया की वजह से ही तो यूज करते हैं उनको क्लियर स्मॉल तो नहीं होगा यहाँ पे क्लियर सो स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया तो आंसर आपका थर्ड जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ओके क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आर एफ ठीक है आर एफ क्या होता है बेटा रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर क्रोमेटोग्राफी में ठीक है क्रोमेटोग्राफी जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है और एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है बेटा क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कोई मिक्सचर होता है उससे उसको प्यूरीफाई करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं आइसोलेट करते हैं किसको कंपोनेंट्स को क्लियर सो so ये क्रोमेटोग्राफी का एक तरीका है जिसमें अपन लोग क्रोमेटोग्राफी में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं यहां पे ओके क्लियर सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग करते क्या है यहां पे जो बेटा एक ग्लास प्लेट के ऊपर जिस मिक्सर को हम लोगों को आ, आइसोलेट करना होता है ठीक है उस मिक्सचर का एक हम लोग यहां पे मार्क करते हैं ठीक है और इस प्लेट के ऊपर क्या होता है पहले से ही क्या बेटा एक कोटिंग कर देते हैं हम लोग किसकी इस प्लेट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिस भी मिक्सचर का एडजॉप्शन कराना है हम लोगों को क्लियर अब मिक्सचर में जो कंपोनेंट होंगे उनके रिलेटिव एडजॉर्पन की टेंडेंसी जो है बेटा वो अलग अलग होती है ये अपन लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहां पे तो ये एक अपन लोगों ने लेयर जो है एड्जोर्बेंट की इस पर ग्लास प्लेट के ऊपर क्या कर दी कोट कर दी अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें यहां पे जो है नोटा यहां पे अपन लोग ये जो है मार्क कर देते हैं जो मिक्सचर होता है उसका एक समथिंग जो है एक जो है कलर्ड मार्क होता है डाई का क्लियर अब यहाँ पे क्या होता है कि अपन लोग इसको एक सॉल्वेंट के साथ क्या है? करते हैं ग्लास प्लेट को डिप करते हैं ठीक है ना ओके okay. और ये जो सॉल्वेंट होता है ना ठीक है ये बेस हाइट्स में थोड़ा डिप होता है अब कैपिलरी प्रॉपर्टी की वजह से इस प्लेट की ये जो सॉल्वेंट होता है जिसमें मिक्सचर को हम लोग डिजोल्व करते हैं क्लियर ये पूरा आइसोलेटेड चैम्बर में बंद कर देते हैं और ये धीमे धीमे सॉल्वेंट जो होता है वो ऊपर चढ़ता है ठीक है क्लियर अब जब ऊपर ये जाता है तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट डिजोल्व होते हैं ठीक है ये अपन लोगों का ये जो सॉल्वेंट है ये ऊपर जाता जाएगा ठीक है अब जैसे ही यहाँ पे ये पहुँचेगा बटा मिक्सचर के पास ठीक है तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर है इसका जो कंपोनेंट है वो क्या होने लगेंगे सेपरेट होने लगेंगे और जब ये सेपरेट होंगे तो इस सॉल्वेंट के साथ जो है मतलब क्योंकि वो डिजोल्व होते हैं तो सेपरेट जो सॉल्वेंट के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे अब इस जो सॉल्वेंट था इसको जो बिल्कुल बेसिक जो है अपन लोग देखते हैं कि जो बेस लाइन होती है उससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में प्लेट के ऊपर कौन कितने ऊपर तक गया क्लियर सबके मार्क अपन लोग देख लेते हैं ओके तो जो कंपोनेंट बेस लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा ठीक है उसका एडजॉर्प्शन क्या होगा बेटा ज्यादा होगा ओके okay. और जिसकी डिस्टेंस कम रही होगी उसका एडजॉर्प्शन कम रहा होगा इसी को मेजर करने के लिए हम लोग आर एफ टर्म यूज करते हैं रिटेंशन फैक्टर क्लियर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन ठीक है कवर्ड बाई वॉट डिस्टेंस कवर्ड बाई कंपोनेंट या सॉल्यूट की बात करें ठीक है या जो भी कंपोनेंट मिक्सचर का होगा फ्रॉम द बेस लाइन या बेस लाइन से ही बात कर रहे हैं बेटा अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टोटल डिस्टेंस बेस लाइन से कितनी जाती है ओके आ, ये सारा बेस लाइन से हो रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाई सॉल्वेंट ठीक है ये जो सॉल्वेंट या एलिवेंट इसको बोलते हैं जो कि भरता जाता है ऊपर कैपिलरी फिनोमिन की वजह से ओके अच्छा तो अपन लोगों को जितना ज़्यादा बेटा रिटेंशन फैक्टर होगा रिटेंशन फैक्टर किसी भी कंपाउंड का या कंपोनेंट का बिटवीन जीरो टू वन होगा बेटा समझ रहे बात को क्लियर मान के चलो ये डिस्टेंस टू पॉइंट वन चलता है और ये टू पॉइंट एट सेंटीमीटर चलता है क्लियर तो यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर कितना आएगा बेटा थ्री बाई फोर ओके तो जीरो और वन के बीच में रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर रहता है यहाँ पे तो चलो अब देखते हैं ऑप्शंस पढ़ते हैं हायर द वैल्यू ऑफ आर एफ मींस हायर एडजॉपन ऐसा गलत है बेटा जिसका रिटेंशन फैक्टर ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा और जो है उसका एडजॉप्शन कम रहा होगा क्लियर सो so, ये आपको इनकरेक्ट बताना था मतलब पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहा है मतलब आंसर ये होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन पर बात करते हैं द वैल्यू ऑफ आर एफ कैन नॉट बी मोर देन वन ओके तो वैल्यू ऑफ आर एफ जो है मोर देन वन नहीं हो सकती है रिटेंशन फैक्टर जो है मोर देन वन नहीं हो सकता सही बात है अभी मैंने डिस्कस किया जीरो और वन के बीच में ही रहता है वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल फेस आर एफ वैल्यू है बेटा वो करेक्ट है बेटा मोबाइल फेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है है ना आर एफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑब्वियस है क्रोमेटोग्राफी के टाइप पे तो डिपेंड करेगी है ना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ये एग्जाम्प होता है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा उठा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो ट्वेंटी नाइन्थ का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बेटा ये थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम थी क्रोमेटोग्राफी चैप्टर से है ना मतलब चैप्टर जो है अपन लोगों को डिस्टिलेशन आइसोलेशन या जनरल प्रॉपर्टीज uh, uh, जो है अपन लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ते हैं तो उस समय जो सब्लिमेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सारा डिस्कशन होता है उसी में ये आप लोगों को थ्योरी मिलेगी हालांकि इतना डिटेल में तो डिस्कस नहीं करा है एनसीआर में लेकिन क्वेश्चन पूछा है चलो तो फिर अपन को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी है ना अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पेप्टाइजेशन क्या होता है पेप्टाइजेशन अपन लोग क्या करते हैं बेटा कोई एक प्रेसिपिटेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट एड करा के क्या करते हैं कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं

तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पढ़ते हैं हम लोग अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलाइड्स ठीक है तो कोलाइड्स के लिए जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा द रेंज ऑफ डायमीटर्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज बिटवीन ये तो करेक्ट है बेटा क्लियर द लार्ज दे आर लार्जर देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये भी करेक्ट है और हायर मोलिकुलर मासस का होता है है ना तो हम लोग जानते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है बेटा वो डायमेंशंस uh, भी हमें पता है स्मॉल पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन से जो है उसके सोल्यूशन जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं साइज में है ना और क्लस्टर बनाते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स ठीक है collides, ना मल्टी मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स ठीक है और जो है इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइडल थर्ड ऑप्शन पे बात कर रहे हैं हम लोग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑफ हायर ऑर्डर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ये गलत है बेटा ठीक है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के जो पार्टी जो ट्रू सोल्यूशन के कंपेरिजन में बात करें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक आपका क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता है अगर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है बेटा अगर कंसंट्रेशन हम सेम ले रहे हैं और एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ऑब्वियस है नंबर्स में कम हो जाएंगे क्योंकि वो क्लस्टर बना लेंगे है ना ओके लार्जर मॉलिक्यूल बना लेंगे क्लियर या लार्जर क्लस्टर बनाते हुए कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज हायर की जगह क्या होगा बेटा लोअर हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोअर होंगे ठीक है ना तो लोअर ऑर्डर रहेगा अच्छा कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट को ये तो करेक्ट है बेटा तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हुआ ऑप्शन नंबर थ्री ओके तो ये आपका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखो बेटा ट है, है uh, करा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे हाँ कॉन्सेंट्रेशन ही या एच प्लस ही उसको कागुलट करेगा ठीक है तो अगर एच प्लस कोग्युलेट करेगा तो थर्टी मिलीमोल पर लीटर है ना मतलब एच प्लस कितना चाहिए थर्टी मिलीमोल पर लीटर ओके okay. तो अगर हम बात करें इज़ फॉर द ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड तो तो अगर H2SO4 ले बेटा तो अपन लोगों को थर्टी मिलीमोल चाहिए तो एच टू एसओ फोर की अमाउंट क्या होगी बेटा एक एच टू एसओ फोर में से दो एच प्लस आइन जनरेट होंगे मतलब हम लोग फिफ्टी मिलीमोल ले लें फिफ्टी मिलीमोल पर लीटर ले लो ठीक है तो अपन लोगों का जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो मिल जाएगी इतनी है ना <coughs> अब वो कह रहे हैं द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ एच टू सो फोर फॉर टू फिफ्टी एम एल अब देखो बेटा एक लीटर के लिए अपन लोगों को कितना चाहिए एक लीटर के लिए अपन लोगों, लोगों को चाहिए है कितना फिफ्टीन मिली मोल तो टू फिफ्टी एम एल के लिए कितना चाहिए तो टू फिफ्टी एम एल के लिए देखो कितना होगा बेटा टू फिफ्टी एम एल के लिए 15 upon 1000 into what 250 that comes out to be how much that comes out to be 15 into 0 0.25 millimole right? millimole that is what 15 into 0 0.25 into 10 to the power minus 3 mole अब इसको बेटा अपन लोग ग्राम में लिखते हैं ठीक है ना तो आ, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू फिफ्टीन इंटू पॉइंट थ्री इंटू एट ग्राम ठीक है अच्छा तो अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से जो है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपन लोगों का रफली ये तो आएगा इसको जब सॉल्व करोगे आप तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव आएगा क्लियर तो ये करीब पॉइंट थ्री सेवन फोर एट के आसपास आता है बेटा पॉइंट थ्री सेवन फोर एट इसको मल्टीप्लाई कर लेना मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है क्लियर सो so, ये रफ कैलकुलेशन मैंने करी है इसकी ठीक है तो पॉइंट थ्री सेवन फोर एट ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम ही है बेटा ऑप्शन तो है नहीं है अपने पास क्लियर सो so, आपका ये आप जो है पॉइंट थ्री सेवन के अराउंड आप आंसर इसमें लगा सकते हो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्टी थ्री ओके प्रॉब्लम थर्टी थ्री देखो यहां पर हार्डी सूल फॉर्मुलेशन द फ्लोकुलेशन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल आर इन ऑर्डर ओके अब देखो बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड पहले हमें पकड़ना होगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है उसके कोलाइडल पार्टिकल का वो किस तरीके का होता है इलेक्ट्रिकली दे आर पॉजिटिवली चार्ज सोल ठीक है पॉजिटिवली सोल और पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन यूज करना पड़ेगा ओके नेगेटिव आयन की जो वैलेंसी है वो सबसे ज्यादा किस पे है अपन के पास जो ऑप्शन दे रखें थ्री माइनस बेटा क्रोमेट आयन के टू सीआर सी आर ओ फोर टू माइनस होगा एक है सी एल माइनस फिर बी आर माइनस और फिर यहां पे नाइट्रेट तो इनकी अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो सबकी वैलेंसी क्या बेटा ही है नाइट्रेट, और... तो इन तीनों को तो ही रखना पड़ेगा और जिसका फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है कम होता है ठीक है तो फ्लोकुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसका बेटा के थ्री एफिशियस का और सबसे कम किसका होगा माइनस वन वालों का क्लियर सो सबसे ज्यादा फ्लोकुलेशन वैल्यू किसकी होगी ओके सो

बुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल है ना तो ये आपका 33 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन थ्री क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 फॉर फॉर फॉलोइंग एसन एंड रीजन ये एसर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन है फॉर हाइड्रोजन रिएक्शन द कैटलिटिक एक्टिविटी इनक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप फाइव टू ग्रुप एलेवन मेटल्स विध मैक्सिम एक्टिविटीज सोन बाई ग्रुप सेवन टू नाइन ओके तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैटेलिटिक एक्टिविटीज की तो कैटलिटिक एक्टिविटीज ट्रांजिशन मेटल्स की क्यों होती है बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पहला तो क्या बटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा ये है उनका लार्जस्ट साइज जितना साइज बढ़ेगा एडजॉर्पन टेंडेंसी ज्यादा होगी ओके okay. और एड्जॉर्प्शन टेंडेंसी है ना तो जितना ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा गैसेस का उसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी ये तीन पैरामीटर होते हैं जिसपे हम लोग जज करते हैं है ना तो पहला बोल रहे हैं कि ग्रुप फाइव टू तो ग्रुप इलेवन अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है बेटा कि सेवन टू नाइन जो होती है ग्रुप्स की कैटेलिटिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है फिर उसके बाद नाइन टू ट्वेल्व अगर बात करते हैं हम लोग तो ये कैटेलिटिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो सेवन टू नाइन यहाँ पे मैक्सिमम होती है कैटेलिटिक एक्टिविटी और ग्रुप फाइव टू ग्रुप इलेवन हम बोल सकते हैं मेटल्स की कैटेलिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो मतलब एसासन स्टेटमेंट जो तो करेक्ट लग रहा है हम लोगों को है ना तो ये तो करेक्ट हो गया एसासन द रियक्टेंट आर मोर मोस्ट स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब ऑन ग्रुप सेवन टू नाइन एलिमेंट्स तो मोस्ट स्ट्रॉन्गली एड्रॉप ओके ये बहुत स्पेसिफिक बात बोल रहा है कि मोस्ट स्ट्रॉन्गली एड्रॉप ओके इसमें और भी पैरामीटर हैं जो कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है ओके okay. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्रुप सेवन टू नाइन ये कंप्लीट स्टेटमेंट रीजन जो है पूरे तरीके से तो करेक्ट नहीं हुआ क्लियर उसमें उनका जो साइज है एडजॉर्प्सन का जो पैरामीटर है वो एक बात बोल रहा है लेकिन दूसरे पैरामीटर्स पर भी हमें सोचना पड़ेगा तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक पैरामीटर होगा तो रीज़न जो है पूरे तरीके से आपका करेक्ट तो नहीं है इसमें क्लियर सो आंसर क्या होगा आपका थर्ड एसर्सन तो करेक्ट है बट रीज़न जो है फॉल्स है इसका क्लियर चलिए तो इस तरीके से सरफेस केमिस्ट्री का हम लोगों का डिस्कशन आज ओवर हुआ सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री से सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा होगा तो कोलाइडल वाले पार्ट से थियोटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी अगर आए हैं तो वो बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है ओके और सरफेस केमिस्ट्री से अगर हम देखें तो करीब बीस बाईस क्वेश्चन आए हैं बाईस पेपर्स में तो हर एक पेपर में करीब एक क्वेश्चन हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं. तो अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर करो थैंक यू वेरी मच